सैमसंग रेफ्रिजरेटर, डिजिटल इन्वर्टर, कन्वर्टेबल फ्रीजर है ये, ये इसका फ्रीजर है। ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है, इसके अंदर दोस्तों पूरा आइस फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। इवापोरेटर कॉइल आइस फॉर्मेशन से कम्प्लीटली ब्लॉक होए जा रहा है। ये इसका डिफ्रॉस्ट सेंसर है जिसके किलो ओम्स एकदम बराबर हैं। नीचे ये इसका हीटर है, हीटर को भी कंटिन्यूटी सही है। ये यहाँ फ्यूज लगा है, फ्यूज को भी कंटिन्यूटी सही है। इसके बैक साइड में दो पीसीबी हैं, एक प्रोग्रामिंग है, दूसरी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोग्रामिंग एक ही में है और एक आईपीएम बोर्ड लगा है। इसका कंट्रोल पैनल फ्रीजर में नहीं है, ये पूरा इसका कंट्रोल पैनल है। ये माइनस टेम्परेचर है फ्रीजर के लिए है। राइट साइड का जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है। देखिए इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसमें पूरा आइस फॉर्म हो जा रहा है, लेकिन इसको मैंने पूरा चेक किया हूँ, ना इसका डिफ्रॉस्ट सेंसर खराब है, ना फ्यूज, ना हीटर, ना बैक साइड पीसीबी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम मिले भी रहेंगे जो क्या करते हैं, ये सेंसर को बिना किलोम्स देखे मल्टीमीटर बिना लगाए ही ऐसे ही चेंज करके निकल जाते हैं, फ्यूज़ और हीटर की कंटिन्यूटी देख लेते हैं लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो क्या करते हैं कि दोनों बोर्ड को ही चेंज कर देते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम एज इट इज ही रहता है। पर सेंसर खराब है तो सेंसर को किलोम्स लेके चेक करके उसके बाद ही रिप्लेस करें। अगर खराब है तो हर बार यही खराब होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसका प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा आपको। इसके फ्रीजर का पार्टीशन है, कन्वर्टेबल फ्रीजर लिखा है। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये फैन मोटर का कनेक्टर है, ये टेम्परेचर सेंसर, इसमें दो फैन लगे हैं, एक ये भी फैन मोटर का कनेक्टर है। हालांकि प्रॉब्लम इसी में है, इसी को सॉल्व किए हैं, अब इसको फिट करके देखेंगे। एक्चुअली फिट करके मैंने देख ही लिया हूँ, मशीन का परफॉर्मेंस एकदम बराबर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं फ़ोन पे प्रॉब्लम है तो गाइड कर सकता हूँ। मुंबई में मैं सर्विस देता हूँ, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कोई कर पाता है तो बता दीजिएगा।
मेरा नंबर तो है, डिस्क्रिप्शन पे भी है और डिस्प्ले में भी शो हो रहा है। इसमें लोग इस मॉडल में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, दो दो तीन तीन विजिट करके भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। खैर मैंने तो सॉल्व कर दिया, इसके पहले भी काफ़ी यूनिट ऐसे मिले हैं जिसको वन टाइम में ही सॉल्व कर दिया हूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।